हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसन और दोस्तों मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हर संडे को हम आपके लिए IBIS ग्रुप की और एक बहुत बेहतरीन जो है प्रोजेक्ट लाते हैं। इस बार भी हम आए हुए हैं आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके। दोस्तों यहाँ पे जो है आपके बजट के अनुसार जो है आपको मकान मिल जाएंगे। अगर आप कम बजट में दोस्तों मकान सर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि यहीं पे जो है आपको कम बजट का और अच्छा मकान जो है गेटेड कॉलोनी के अंदर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ी सी लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये जो है IEM रोड पे है, MT सक्सेना जो इंटर कॉलेज है वहां से मान के चलिए मात्र सिर्फ 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। और ये प्रोजेक्ट है जैसे मैंने बताया IBIS ग्रुप का। तो इस प्रोजेक्ट को जो एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि आप हमेशा जानते हैं कि मेरे साथ शान भाई होते हैं, तो इस बार भी शान भाई हैं। तो हेलो शान भाई। हेलो अहसन भाई, कैसे तो हैं? बढ़िया है। तो व्यूअर्स को मैं अपनी तरफ से हाय बोलता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमारे हर वीडियो पे। इस वक्त हम IEM रोड पे आए हैं आपके लिए, आपके बजट में मकान लेके। जो आप बैक साइड पे मकान देख रहे हैं, मकान 450 स्क्वायर फीट का, मात्र 16.5 लाख का मकान है। ऑफर प्राइस भी है यहाँ पे, ऑफर प्राइस इस मकान का 16 लाख है। 16.5 वाला मकान 16 लाख में, और ये मकान 750 स्क्वायर फीट का है। ये मकान का रेट 26.5 लाख रुपए है, 26.5 लाख रुपए है, लेकिन ऑफर प्राइस 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए। और लैंड एरिया आपका 750 और कवर्ड एरिया करीबन 875 के आसपास है जी। ये ऑफर क्या है, मतलब जो नवरात्रि आने वाली उसके लिए जी? बिल्कुल बिल्कुल एहसन भाई। और इस वक्त हम लोकेशन के बारे में, जैसे एहसन भाई ने बताया, ये मात्र डॉक्टर MC सक्सेना से 200 मीटर के डिस्टेंस पे हम आए हुए हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं अभी अपने यहाँ पे करीबन 3 से 4 मकान बने हैं। करीबन यहाँ पे 32 से 33 मकान यहाँ पे अपने रहेंगे, पूरे रहेंगे। हाँ, छोटे मकान भी रहेंगे, बड़े मकान भी रहेंगे। यहाँ पे काफी अभी अवेलेबिलिटी है। मकान के सामने रोड 25 फिट की है, गेटेड सोसाइटी रहेगी ये। अब चलते आपको आगे मकान अंदर से दिखाते हैं। तो पहले जो हम आपको याला मकान दिखाते हैं, 450 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। वैसे रेट तो इसके 16.5 लाख रुपए में, लेकिन ऑफर प्राइस जो रखा गया है 16 लाख। अगर हम नवरात्रि में आगे इसको बुक करते हैं तो यही जो है आपको 16 लाख में मिलेगा। और अगर आप बाद में आएंगे तो, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे और मकान भी बन रहे हैं, तो ये जो है आपको 16.5 लाख रुपए पड़ेगा। बढ़िया सा गेट दिया गया है, काफी मजबूत गेट है। यहाँ पे पार्किंग स्पेस दिया गया है, यही पे बहुत खूबसूरत सी स्टेयर्स दी है, एक वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम, एक बाहर दिया गया है। यहाँ पे बाहर आप देख सकते हैं पॉइंट दिए गए, यहाँ पे वॉशबेसिन भी यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद में आपका ये एक अंदर से ये दिखा देते हैं वॉशरूम। ये दोस्तों जो है आपको यहाँ पे वॉशरूम मिला जा रहा है, काफी स्पेस है। ये यहाँ पे जो जीना दिया है, जीने के नीचे का भी जो स्पेस है आपको ये भी मिला जा रहा है। इसमें कमोड वाली सीट लगी, अगर कोई गेस्ट आता है तो ये वाला यूज करेगा। ये जो है आपको इसका पोर्च मिल रहा है। यहाँ पे मान के चलिए 2 टू व्हीलर जो है आपके इजिली बहुत आराम से खड़ी हो जाएंगी। अगर आपके पास कार है खड़ी करना है तो बाहर 25 फीट की रोड मिली दोस्तों, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शान भाई, जैसे कि हम बात करें इसके डायमेंशन की, लंबाई चौड़ाई की तो कितनी है? इसका जो डायमेंशन है करीबन 12x37 क्या है, 12x37 है। ठीक है, ये है इसका ड्राइंग रूम। ये आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है दोस्तों, अगर कोई गेस्ट आता है आपका तो वो यहीं पे बैठेगा। यहाँ पे जो है सोफा पड़ जाएगा, सोफे पड़ जाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है, छत भी देखेंगे काफी यहाँ पे अच्छे तरीके से ड्राइंग दिया गया है। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं किचन दिखाते हैं। इस तरह जब हम निकल के आएंगे तो ये आपको जो है ओपन किचन मिल रहा है इसका। ये ओपन किचन मिला जा रहा है शान भाई, जैसे कि हर वीडियो में होते हैं लेकिन हम क्लियर करना चाहते हैं, अगर कोई मॉड्यूलर चाहता है तो ओपन मिल जाएगा। बिल्कुल ऑन डिमांड रहेगा, आपका जो भी मॉडिफिकेशंस है आप आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से चीजें यहां पे हो जाएंगे। ठीक, ये हिसाब से OTS भी इसके ऊपर देख लीजिए, जाल है जी। यहां से वेंटिलेशन आता रहेगा, यहां पे अगर आप अपनी डाइनिंग टेबल डालना चाहते हैं तो आराम से जो है आ जाएगी। ये आपका किचन हो गया और एक बेडरूम जो है आपको इस तरफ मिला जा रहा है। ये बेडरूम मिला जा रहा है, इसका साइज मान के चलिए 14x12 जो है आपको इसका साइज मिल रहा है। काफी बड़ा साइज जो है आपको इसका मिला जा रहा है, 12x14 जो इसका साइज है। इसकी छत देख लीजिए, इसकी छत भी जो है आपको पीओपी मिल रही है। तो ये जैसे हमने दिखा दिया आपको 450 स्क्वायर फीट का, 16 लाख का। अब चलते हैं इसके बगल में जो है वो 750 स्क्वायर फीट। पास में मार्केट हो, पास में चीज हो, तो यहाँ में सब चीजें आपको बहुत ही ज्यादा पास में मिल रही है। तो दोस्तों अब जो है मैं आपको याला मकान दिखाते हैं। इसका जो है अब एक बार पूरा जो है फ्रंट देख लीजिए, इसमें जो है भी हो गई पेंटिंग, लेकिन आप अगर कोई और पेंट कहेंगे तो इसमें हो जाएगा दोस्तों। इसका लंबाई चौड़ाई कितनी होगी शान भाई? 750 स्क्वायर फीट में आपको 20 का फ्रंट मिल रहा है, 20 का फ्रंट मैक्सिमम 1000 स्क्वायर फीट मिलता है, लेकिन 750 स्क्वायर फीट में आपको 20 का फ्रंट मिलता है। चलते हैं भाई अंदर, चलते हैं इसके अंदर एक बार। बाहर से अभी एक बार दिखाया कि किस तरीके से हमने विंडोज दी गई हैं, कैसा एलिवेशन दिया गया है, दिखाया हसन भाई आपने पूरा ये। हाँ, ये देख लीजिए यहाँ पे जो है फ्रंट में आपको विंडो मिल रही दोस्तों, इससे करें वेंटिलेशन जो है आपको ड्राइंग रूम में मिलता रहेगा। यहाँ पे जो है काफी हैवी जो है बड़ा गेट यहाँ पे आपको मिला जा रहा है,
उसके बाद जो है यहाँ पे आपको इसका पोर्च मिल रहा है। इसमें मान के चलिए कोई भी मीडियम साइज की गाड़ी जो है आपके पास बहुत आराम से खड़ी हो जाएगी। अगर दो हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एक गाड़ी आपकी बाहर एक अंदर। आपको यहाँ पे इन्वर्टर का दिया गया है, दो एंट्रेंस दिए गए हैं, स्टेयर्स के लिए ये रास्ता है, एक एंट्रेंस ये और चलते हैं। दोस्तों इस तरफ से हम अंदर आए हैं, लेकिन इधर भी जो है आपको एक एंट्री दी गई है, कोई गेस्ट आएगा आपका तो इस तरफ से अंदर आएगा। इसमें दरवाजे की क्वालिटी भी जो है काफी अच्छी दी हुई है। ये विंडो है फ्रंट में आपको दी गई है, इसमें वेंटिलेशन आपको मिलता रहेगा, काफी बड़ा है। इसका साइज कितना होगा शानदार? इसका देखिए 10x14 जो है इसका साइज है, 2x2 के जो है इसमें टैल्स लगे हुए हैं। इसकी छत देख लीजिए एक बार, इसमें जो है लाइट भी चल रही है। इसकी छत पे जो है आपको काफी बढ़िया काफी खूबसूरत आप देख सकते हैं, काफी फिनिशिंग जो है यहाँ पे पीओपी बनी हुई है, और ये मकान जो बिल्कुल कंप्लीट है, यहाँ तक इसमें पेंट भी हो चुका है। तो चंद भाई इसमें जैसे कि रेडी टू मूव चाहिए, ये मकान की बुकिंग हो चुकी है कि अभी बचा हुआ है? अभी ज्यादा देर नहीं करेंगे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा, आएंगे तो फिर बना के देना पड़ेगा जी। देख सकते हैं ये किचन, ये किचन इसमें भी दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो मॉड्यूलर बना के जो है आपको मतलब आपके हिसाब से अगर आप कुछ भी कहेंगे हो जाएगा। अगर आप वार्डरोब चाह रहे हैं बेडरूम में तो वो भी बन जाएगी, किचन है मॉड्यूलर चाह रहे हैं, छतरी लगवाने चाह रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा, चाहे आप खुद कर लिए चाहे आप हम लोगों को बता दीजिए तो करवा के देंगे, ऑन डिमांड रहेगी, ऑन डिमांड रहेगा। यहाँ पे जो है आपको काफी बड़ा स्पेस मिला जा रहा है, किचन का एक विंडो जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है, इससे क्या रहेगा वेंटिलेशन आपको मिलता रहेगा, और इसमें जो है भी शीशा लगना बचा हुआ है, यहाँ पे शीशा लगेगा दोस्तों, इसमें जो है शीशा लग जाएगा। ये जो है आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया, यहाँ पे जो है हाँ यहाँ पे आराम से डाइनिंग टेबल जो है आप किया जाएगी, काफी स्पेस है। इसकी छत भी देख लीजिए, इसकी छत पे भी जो है सबसे बड़ी बात मकान बिल्कुल रेडी टू मूव है, पेंट भी हो चुका है इसमें। इस साइड में जो है आपको एक ओटीएस मिल रहा है, यहाँ पे वॉश बेसिन आ जाएगा, ये टॉयलेट है, ये देख लीजिए ऊपर जाल है वेंटिलेशन के लिए, टॉयलेट का स्पेस देख लीजिए, इसका जो है काफी स्पेस आपको मिल रहा है। मान के चलिए कम से कम जो है ये 7x4 जो है आपको मिला जा रहा है, इसमें भी इंडियन सीट लगी हुई है, और इसमें जो है दो बेडरूम आपको मिल जाते हैं। उसमें आपको एक बेडरूम मिल रहा था छोटे वाले में, इसमें जो है दो बेडरूम आपको मिल रहे हैं, ऊपर जो है प्लस स्टोर मिल रहा है। अच्छा सर कवर्ड एरिया की बात करें तो लगभग 1000 स्क्वायर फीट होगा, करीबन 875 से 900 स्क्वायर फीट के आसपास, 900 स्क्वायर फीट, ऊपर एक स्टोर भी दिया हुआ है। अच्छा एक बेडरूम ये और एक बेडरूम, बेडरूम के साइज ऑलमोस्ट सेम है। इसका साइज जो आपको मिल रहा है 10x12 जो है आपको इस बेडरूम का साइज मिला जा रहा है, काफी बड़ा बेडरूम है, जितने भी पूरा मकान बना है छत पे जो है आपको पूरे में जो है पीओपी देखने को मिल जाएगी, काफी खूबसूरत। और जैसे कि मकान यहाँ पे अगर आप बुकिंग करेंगे, मकान बन के आपको मिलेगा तो आप कहेंगे तो उसमें काउंसलिंग भी हो जाएगी, मेन जो बेसिक इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं सारी वॉल्स पे आपको मिलेंगे, सब इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, देख सकते हैं सब जगह है। अब चलते दूसरे वाले रूम पे, ये है इसका सेकंड बेडरूम, इसका साइज भी लगभग सेम है 12x10 जो है आपको इसका साइज भी मिला जा रहा है, इसकी छत भी देख लीजिए। तो शान भाई जैसे कि थोड़ा सा बाहर निकल के बात करते हैं रोशनी में, तो यहाँ के आसपास में क्या फैसिलिटी मिलेगी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मेन रोड कितने डिस्टेंस पे है, कुछ एक्सप्लेन करिए। देखिए अगर हम आईएम रोड की बात करें, आईएम रोड अपने में ही एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एलडीको सिटी, एलडीको टाउनी, एलडीको रेगेरिया, शालीमार, सहारा, कैरियर डेंटल, आईएम रोड पे बड़ी से बड़ी यहाँ पे आपको सिटीज मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियों की यहाँ पे आपको कॉलोनीज मिलेंगी। फिर उसके बाद आपका आईएम कॉलेज भी यहीं पे है, पास में एलडी आ चुका है, इस वक्त जहाँ पे हम हैं यहाँ पे डॉक्टर एमसी सक्सेना, चरफ इंस्टीट्यूट पास में दुबग्गा, इस तरफ जाएंगे जानकीपुरम, फिर उसके बाद आपका इंदिरा नगर मुंशीपुलिया, कहीं भी आप बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ चार पाँच से मात्र 12 किलोमीटर का रेडियस में आता है। सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन कौन सा है यहाँ पे आपका? आप सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन पे बहुत इजीली जा सकते हैं, मुंशीपुलिया जा सकते हैं, इंदिरा नगर जा सकते हैं, कहीं भी बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। 24 घंटे ट्रांसपोर्ट स्टेशन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे अवेलेबल है पूरे यहाँ पे, 24 घंटे ट्रांसफर स्टेशन है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ की बात करें रजिस्ट्री की, और लोग पूछते कहाँ रजिस्ट्री है, यहाँ का जो रजिस्ट्री का पार्ट है ये आपका कैसरबाग में है, कहीं बीकेडी में मकान है, बिल्कुल लखनऊ मेन सिटी में, कैसरबाग लखनऊ के दिल है, और यहाँ पे आपकी रजिस्ट्री मेन कैसरबाग में होती है जी। ठीक है, मेन रोड यहाँ से 200 मीटर के डिस्टेंस, 200 मीटर डिस्टेंस पे अपना डॉक्टर एमसी सक्सेना इंस्टीट्यूट है, वहीं पे आपको कन्वेंस मार्केट सब चीजें यहीं पे अवेलेबल है। आईएम रोड की अगर हम बात करेंगे यहाँ से 200 मीटर वो, और एमसी सक्सेना से आईएम रोड 500 मीटर का डिस्टेंस है, टोटल 700 मीटर पे हम मेन आईएम रोड से जी। तो अब चलते हैं छत पे, छत पे से चल के एक बार पूरा एरिया विजिट करा देते हैं जी। हाँ रेट थोड़ा यहाँ पे अब देखेंगे, अगर छोटा मकान आप ले रहे हैं
450 स्क्वायर फीट वाला मकान है 16.5 लाख का, ऑफर प्राइस 16 लाख रुपए। अगर आप थोड़ा बड़ा लेना चाहते हो 750 स्क्वायर फीट पे करीबन 900 कवर्ड एरिया, ये मकान 26.5 लाख रुपए का, जो ऑफर प्राइस 26 लाख रुपए, मात्र सिर्फ और सिर्फ 25 दिन का ये लिमिटेड ऑफर है ये। और यहाँ पे अपने पास यूनिट्स भी ज्यादा नहीं, और यूनिट्स हम आपको बना के देंगे जी। ठीक है, तो चलते हैं छत पे। तो दोस्तों ये जीने दिए हैं, इसमें जो है अभी रेलिंग लगना है, यहाँ पे बची हुई स्टील वाली जो है रेलिंग लग जाएगी। इसका साइज जो है लगभग 3 फीट का जो है आपको सीने का साइज मिल रहा है दोस्तों। जैसे ही हम इसके ऊपर निकल के आएंगे, यहाँ पे जो है आपको एक विंडो मिल जाती है, इसमें देख लीजिए ग्रिल लगी हुई काफी मोटी। इसमें जो है यहाँ पे शीशा लग जाएगा, इससे जो है वेंटिलेशन और रोशनी जो है प्रॉपर आपको यहाँ पे जो है इस एरिया में मिलती रहेगी। और ये जो है आपको एक स्टोर मिल रहा है, ये इसका एक स्टोर है। इसका साइज भी दोस्तों बहुत बढ़िया साइज दिया है, मान के चलिए कम से कम 4.5 बाई जो है 7 या 8 जो है आपको इसका साइज मिल जाता है, स्टोर के हिसाब से बहुत है। और ये है इसकी पीछे से छत, इसमें जो है लोहे के दरवाजे दिए हैं यहाँ पे छत पे। ये जो है इसका फ्रंट है, फ्रंट से एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कुछ प्लॉट यहाँ पे खाली भी हैं, जिसमें बहुत जल्दी मकान बनने वाले हैं, और बाकी में जो है मकान बने हुए हैं, लोग जो है यहाँ पूरे में जो है रह रहे हैं। ये जो सामने आप प्लॉट देख रहे हैं ये वाला, इसमें भी दोस्तों मकान बनेंगे। इसकी वेस्ट फेसिंग है और उसकी जो है ईस्ट फेसिंग रहेगी। ये जो सामने मकान बन रहा है दोस्तों, ये भी जो है इसी कॉलोनी में आता है, ये भी मकान बन रहा है। वहाँ पे जो इसका गेट लग जाएगा, 25 फीट की जो है आपको सामने रोड मिल रही है दोस्तों। रेट इसके बहुत अच्छे हैं, 16 लाख रुपए में आपको 450 स्क्वायर फीट का काफ़ी खूबसूरत मकान मिल रहा है। अगर आपको बड़ा मकान चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको मिला जा रहा है, 750 स्क्वायर फीट का 2 BHK मकान दोस्तों यहाँ पे आपको मिला जा रहा है। ये जो है इसका पीछे का एरिया है, पीछे से देख लीजिए, ये पूरा इसका बैक साइड का एरिया दोस्तों। ये बैक साइड का काफ़ी मतलब सुकून है, और मेन रोड भी जो है वो काफ़ी दूर नहीं है, थोड़ा सा आप चल के जाएंगे चाहे पैदल चले जाएंगे मेन रोड आ जाएगी, वहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों शान भाई ने जो है सारी डिटेल आपको बता दी है कि ये मकान है कहाँ पे, लोकेशन क्या, आसपास में जो है इसकी फैसिलिटी क्या है, और रेट क्या है, और साइज़ क्या है। और अगर आपको लगता है किसी तरह की जानकारी नहीं मिली है दोस्तों, तो नीचे नंबर जो है दिया गया है, पहला नंबर जो है वो शान भाई का है, आप कॉल करके जो है जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अगर आप चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।